सूर्य ही नमः है। सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ? पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, देव और दानव में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता पराजित हो गए, जिससे देव माता अदिति बेहद उदास हो गई थी। उन्होंने घोर तपस्या की, सभी देवताओं की शरण में वापस हो जाए। इसी तपस्या से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि सूर्य देव उन्हें विजय प्राप्त करवाएंगे और वह खुद अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक समय ऐसा आया जब सूर्य देव ने अदिति के घर जन्म लिया और देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करवाई। कौन है सूर्य देव के माता पिता और परिवार? माता पिता और परिवार। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव के पिता का नाम महर्षि कश्यप और माता का नाम अदिति था। माता अदिति की कोख से जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम आदित्य हुआ। कौन है सूर्य देव की पत्नी और पुत्रियाँ? कौन? सूर्य देव की दो पत्नियों का वर्णन मिलता है, एक का नाम संध्या है, दूसरे का नाम छाया है। इसके पुत्र मृत्यु के देवता यमराज और शनिदेव हैं, जो मनुष्य के कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम देते हैं। इसके अलावा यमुना, तप्ती, अश्विनी और वेद शवत मनु भी सूर्य देव की ही संतान माने जाते हैं। इनमें मनु को सबसे पहला मनुष्य कहा जाता है। सूर्य देव की सवारी में 7 घोड़े ही क्यों? 7 घोड़े ही इसलिए हैं कि जिसका साथ ही अरुण देव माने जाते हैं। सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। यह भी मान्यता है कि हर घोड़ा अलग रंग का है, जो एक साथ मिलकर पूरी 7 रंग वाले इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। किस तरह करें सूर्यदेव की पूजा? सूर्यदेव से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद ही सूर्यदेव की उपासना करना सर्वोत्तम माना गया है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए